क्लास सिक्स में यानी एक्सरसाइज 1.1 में हल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स अमॉन्ग दीज। नंबर ए लिखा है दी सेट्स ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस जो जुमला है यानी सेंटेंस है यह सेट का, इस पर थोड़ा गौर करें, इंटरेस्टिंग गेम्स, तो दुनिया में बहुत सारे गेम्स जो है वो खेले जा रहे हैं। इनमें से बाज़ लोगों को कुछ गेम इंटरेस्टेड है, एक बंदे जो है एक गेम में इंटरेस्टेड होता है, दूसरा बंदा दूसरे गेम में इंटरेस्ट होता है। तो इसकी स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड जो है यानी वाज़े मालूम नहीं है कि हम ये कहें कि मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो, कोई हॉकी में इंटरेस्टेड हो, कोई, हम यह नहीं कह सकते कि सारे बंदे जो है वो उनका एक ही मखसूस गेम है क्रिकेट, वो उसमें इंटरेस्टेड है। इसी लिए यह सेट जो है हम इसके साथ लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, यानी ये वाज़े तौर पर मालूम नहीं है। इसी तरीके से बी नंबर जो है यो क्वेश्चन में हल करने जा रहा हूँ, दी सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दी सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस जो है जुमले पर गौर करें तो ये पाकिस्तान के सूबाई दारुल खिलाफे का ज़िक्र किया गया है, जैसा कि हमारे पास एक है लाहौर पंजाब का, केपीके का पेशावर है, मैं यहाँ पर रफ लिखता हूँ, और बलूचिस्तान का क्वेटा है, सिंध का कराची है। तो इसी तरीके से ये जो है ये मेंशन हुए, ज़ाहिर हुए, तो इसी तरीके से ये वेल डिफाइंड है। लेकिन सवाल में भी यही लिखा है कि वेल डिफाइंड सेट जो है वो मालूम करना है, इसलिए ये ऊपर दिया गया सेट आपको नहीं लिखना है। ये सेट सिर्फ ऐसे सेट्स लिखने चाहिए जो वेल डिफाइंड हो, ऐसे सेट। इसी के अलावा सी नंबर जो है दी सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और डी नंबर दी सेट ऑफ बिग एनिमल्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ई नंबर दी सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ई नंबर पे दी सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मालूम है और वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट जो है वेल डिफाइंड है। डियर स्टूडेंट्स, आगे उम्मीद है मज़ीद क्वेश्चन आप करेंगे। यह रहा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह हम फिर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।